उत्तर प्रदेश के महोबा मुख्यालय के वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवी छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी के आवाहन, प्राचार्य लेफ्टिनेंट प्रोफेसर सुशील बाबू के निर्देशन तथा एनएसएस नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार पांडे के मार्गदर्शन में मास्क बैंक बैंक से किराड़ी गाँव पहुंचकर लगभग 2000 मास्क वितरित कर गाँव को मास्क से संतृप्त किया। छात्रों ने गांव में स्वयं सुरक्षात्मक नियमों का पालन कर चार टोलियां बनाकर मास्क वितरित किए। स्वयं सेवी छात्र छात्राओं की टोलियों ने डॉक्टर संतोष पांडे, डॉक्टर एलसी अनुरागी व शैलेश तिवारी के नेतृत्व में किराड़ी गांव में घर घर जाकर मास्क वितरित कर आरोग्य सेतु ऐप, आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर अपडेट करने, हाथ साबुन से नियमित अंतराल में धोने तथा गर्म पानी पीने हेतु प्रेरित किया। मास्क वितरण की यह योजना एनएसएस राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली शर्मा एवं क्षेत्रीय निर्देशक अशोक श्रोत्रिय की प्रेरणा से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी के नेतृत्व में संपूर्ण बुंदेलखंड में संचालित किया। इसी मास्क वितरण योजना के तहत आज मास्क बैंक से रहेलिया गाँव के बाद किराड़ी गाँव को संतृप्त किया गया। यह मास्क वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा अपने पॉकेट मनी से तैयार किए गए एवं स्वनिर्मित हैं। आज किराड़ी गांव को मास्क से संतृप्त कर मास्क लगाने से कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया। मास्क वितरण में महाविद्यालय के राम अवतार वर्मा सहित आशीष अलबेला, गजेंद्र साहू, अभिषेक नरेंद्र, मनीष सोनी, सुनील राजपूत, श्री चंद्र, मोहिनी साहू, रोशनी मोहिनी, नुकरा हाशमी, स्नेहा सोनी, रुचि खरे, आकांक्षा प्रजापति, सोनिया राजपूत, शिल्पी राजपूत आदि छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। हम लोग वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महोबा के राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत अपने बच्चों को लेकर के आज किराड़ी गांव आए हैं। अपनी पूर्व निर्धारित योजना के तहत हम लोग लगातार मास्क वितरण कर रहे हैं, तो आज किराड़ी गांव का चयन किया गया था। किराड़ी गांव को हम लोगों ने मास्क से संतृप्त किया है। जिस परिवार में जितनी सदस्य संख्या थी उसके हिसाब से हम लोगों ने मास्क वितरण किया है। हमारे बच्चों का बराबर इसमें सहयोग मिलता रहा है और अपने बच्चों के कारण ही आज हम यह सब कर पा रहे हैं। तो किराड़ी गांव का अनुभव बहुत अच्छा रहा, जागरूक गांव लगा, साफ सुथरा गांव है किराड़ी। इस मामले में मुझे लगता है कि महोबा के आदर्श गांव में किराड़ी का नाम आ जाना चाहिए। काफ़ी पढ़े लिखे लोग मिले हैं, अच्छा लगा यहाँ मास्क वितरण करवा के अपने बच्चों से। धन्यवाद। हम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक वीरभूमि डिग्री कॉलेज से आए हैं और ये मास्क हम लोगों ने स्वयं बनाए हैं। हम लोग किराड़ी गांव में मास्क वितरण करने के लिए आए हैं और हमें यह मास्क वितरण करके बहुत खुशी हुई है और हमने इस पूरे गांव को मास्क से संतृप्त किया है। धन्यवाद। हम एनएसएस के स्टूडेंट हैं। हम सभी ने अपने खुद पॉकेट मनी से मास्क का निर्माण किया है और हम सभी को बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी वजह से इस गांव को मास्क वितरण हुआ है। मास्क वितरण से सिर्फ इतना नहीं है कि मास्क वितरण तो हो जाए और इससे जागरूक भी हो जाना चाहिए लोगों को, ताकि हमारे देश से में जितना हो सके कोरोना बचे। मैं आशीष अलवेला, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। आज हम लोगों ने किराड़ी गांव में मास्क का वितरण किया और हम लोग इस गांव में मास्क बांटकर बहुत ही खुश हुए और यहां पे देखा है कि यहां के जो लोग हैं काफ़ी जागरूक भी हैं और जो लोग मास्क पहनकर मास्क लेकर के खुश हुए हैं और कई लोगों में तो हमने देखा है कि वो स्वयं जागरूक भी हैं और हम लोगों को भी समझा रहे हैं कि हम लोग बचें। धन्यवाद। एलसी अनुरागी, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान वीरभूमि महाविद्यालय महोबा। आज ग्राम किराड़ी में समस्त छात्र छात्राओं ने मास्क का वितरण किया और गांव के लोगों ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया। यहां के नागरिक जागरूक हैं और जो जागरूक नहीं हैं भी एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं और हमारी एनएसएस इकाई के छात्र छात्राएं भी बहुत सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं।